न्यू वीडियो welcome welcome आज के इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड ये जो मेकअप लुक है ये सिंपल है एंड वर्सिटाइल है आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे कैरी uh, कर सकते हो स्पेशली वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगते है एंड ये जो टोटल लुक है ना गाइस ये लुक को मैंने क्रिएट किया है विदाउट फाउंडेशन एंड विदाउट कंसीलर सिर्फ बीबी क्रीम यूज करके मैंने ये लुक को क्रिएट किया है एंड मैंने यूज की है फ्यर एंड लवली और ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम अगर आपको देखना है कि कैसे मैंने ये लुक को क्रिएट किया है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए इस और ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्किन केयर मैंने कर लिया है एंड बीबी क्रीम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैं फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी बीबी क्रीम या फिर सी सी क्रीम यूज़ करके ये लुक को क्रिएट कर सकते हो डॉट डॉट करके पूरी फेस में मैं इसे अप्लाई कर लिया है एंड फिंगर की मदद से ही मैं इसे ब्लेंड भी कर रही हूँ एंड आई एरिया पर भी मैं सेम बीबी क्रीम को ही एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे ब्लेंड करना बहुत ही इजी है एंड फिंगर की मदद से ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं एंड उसके बाद सेट करने के लिए ब्लू हेवन की मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसके साथ जो पाफ आता है उसकी मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद ब्रश की मदद से इसे आ, मैं डस्ट आउट कर रही हूँ एक्सेस पाउडर को डस्ट आउट कर रही हूँ एंड उसके बाद आईब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की आईब्राउ पेंसिल एंड ये ब्राउन शेड में है उसके बाद आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की नाइन कलर आई शेडो पैलेट है एंड ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाते हैं एंडिया से ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर क्रीज लाइन पे अप्लाई की है एंड उसके बाद इसे मैं लोअर लैश लाइन के बहुत ही क्लोज अप्लाई की है एंड उसके बाद मैं सेम कलर को एक एंगुलर ब्रश की मदद से लेकर थोड़ा सा इसे विंग शेप में अप्लाई कर रहे हूँ एंड काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनडा की ब्लैक काजल एंड ये बहुत ही अच्छा काजल है गाइज एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसको मैंने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई की है उसके बाद काजल को भी मैंने स्मैच कर लिया है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं उसके बाद यह से ये जो शिमर शेड है इसके फिंगर की मदद से इसको लेकर मैं आईलिट पे अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्राउन कलर को लेकर मैं नोज को कंट्रोलिंग कर रही हूँ एंड थोड़ा सा फेस को भी कंट्रोलिंग कर लिया है एंड उसके बाद आ, मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा एंड मस्कारा के लिए मेबलिन की मस्कारा यूज कर रही हूँ अपर एंड लोअर लैश लाइन पे ब्लाश के लिए मैं स्विज ब्यूटी की ब्लाश अप्लाई कर रही हूँ ये पिंक कलर की शेड में है एंड उसके बाद सेम पैलेट से ही हाइलाइटर को भी मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस में हाई पॉइंट में अप्लाई कर रहे हूँ एंड फिंगर की मदद से आइज़ की इनर कॉर्नर में अप्लाई किया है उसके बाद पूरी मेकअप को सेट कर रही हूँ यूजिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक ये लिक्विड है एंड इसका शेड है जीरो जॉयफुल तो यह है मेरे फाइनल लुक गाइज आई थिंक ये लुक आपको पसंद आया है अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बाय